Respected listeners and dear students, assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. Let's learn. Let's start our lesson, chapter number 2, from page number 4. We'll read this chapter. चैप्टर नंबर 1 के नोट्स अभी आपके पास नहीं है. जब आपके पास नोट्स होंगे तो हम उसके वर्ड्स मीनिंग और उसकी एक्सरसाइज को नोट्स अकॉर्डिंग टू नोट्स डिस्कस कर लेंगे. अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, ताकि आपके पास नोट्स उस वक्त मौजूद हों और आप उनको देखते हुए लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकें. चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी. क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड. क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड यानी मुस्लिम दुनिया में मौसमी लिहाज से, आबो हवा के लिहाज से किस किस्म के खित्ते हैं, किस किस्म के इलाके हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. वैसे तो एक जनरल परसेप्शन यही है कि ज़्यादातर जो मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं वो ज़्यादातर अरब ममालिक हैं या अफ्रीका के हैं. वो तो वहाँ पे ज़रा ड्राई वेदर होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, और मुस्लिम दुनिया में ज़्यादा डेजर्ट्स ज़्यादा हैं. हमारा फर्स्ट टॉपिक भी डेजर्ट्स ही है, सहरा. यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डेजर्ट्स इन द बुक 1, यानी आपने 6th क्लास में बुक 1 में ये रीड कर चुके हैं डेजर्ट क्या होते हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम सम ओसेस वेयर वाटर कैन बी रीच फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज, डेजर्ट हैव हार्डली एनी एग्रीकल्चरल आउटपुट, बट सम ऑफ देम have immensely valuable minerals such as oil. Sahara mein nakhlistan, oasis kehte hain Sahara mein nakhlistan, wo jagah jahan pe pani milta hai zameen mein kahin dur daraz, wahan pe kuch cheeze, kuch agricultural chi output ho sakta hai, cheeze ug sakti hain, lekin iske alawa Sahara mein kahin pe bhi kisi jagah pe bhi koi bhi एग्रीकल्चरल आउटपुट नहीं मिल सकता, यानी ज़रई आउटपुट नहीं मिल सकता हमें वहाँ पे. हम वहाँ पे काश्तकारी नहीं कर सकते, फसलें नहीं उगा सकते, लेकिन सहराओं में बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते हैं, यानी मादनियात जैसे कि ऑयल, जैसे कि तेल. द मुस्लिम वर्ल्ड सीम्स टू हैव बीन अलॉट द मुस्लिम वर्ल्ड हैव टू बीन सॉरी द मुस्लिम वर्ल्ड सीम टू हैव बीन अलॉटेड more than its share of deserts. अगर हम मुस्लिम दुनिया में देखें तो इसका ज़्यादातर हिस्सा जो उनसा है वो सहराओं पर मुश्तमिल है, सहरा है ज़्यादातर. almost 3/4 of all major deserts in the world are in Muslim territories. यानी दुनिया के सहराओं का 3/4 हिस्सा ज़्यादातर मुस्लिम मुल्कों में है, यानी 4 हिस्से हैं अगर सहराओं में तो 3 हिस्से पाए जा रहे हैं मुस्लिम मुल्कों में, मुस्लिम हदूद में, मुसलमानों की हदूद में के मुल्कों में. दीज आर द सहारा इन अफ्रीका विच मेक्स अप 60% ऑफ द टोटल डेजर्ट एरिया इन द वर्ल्ड. इनमें सहारा सहरा है जो कि अफ्रीका में है, और ये दुनिया में जितने डेजर्ट हैं, जितने भी सहरा हैं, उनका 60% ये डेजर्ट है, यानी 60 ये इतना बड़ा ये सहरा है. थर एंड सोमाली डेजर्ट, द केजुल कुम इन उज़्बेकिस्तान, सोमालिया में डेजर्ट है. थर डेजर्ट पाकिस्तान में है, केजुल कुम उज़्बेकिस्तान में है, एंड दश्ते लूत इन ईरान, और ईरान में जो सहरा है वो दश्ते लूत है. यानी ज़्यादातर हिस्सा मुस्लिम ममालिक का सहरा में है, और ये सहारा जो आपका डेजर्ट है, इसकी यहाँ पे साइड पे पिक्चर्स भी है, ये देखें, ताहदे नज़र रेत ही रेत है, जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ रेत ही रेत है. ये सहरा है, ड्राई डेजर्ट. सेकंड टॉपिक है सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब लैंड. सेमी डेजर्ट डेजर्ट हैं जो बिल्कुल ही रेतले इलाके हैं. सेमी डेजर्ट या स्क्रब लैंड क्या हैं, जहाँ पे कुछ झाड़ियाँ कहीं पे दूर दूर पाई जाती हैं. दिस हैज़ ओकेजनल रेन, यहाँ कभी कभार बारिश हो जाती है, बट नॉट इनफ फॉर क्रॉप्स टू ग्रो सेटिस्फैक्टरली, लेकिन इतनी नहीं कि फसलें जो सा है इत्मीनान से सैराब हो सकें और बढ़ सकें.
यानी उनके लिए सफिशेंट नहीं होती है बारिशें फसलों के लिए. लाइक ऑर्डनरी डेजर्ट्स द डे टाइम टेम्परेचर इज हाई एंड द नाइट आर ऑफन कूल. आम सहराओं की तरह सहराओं में दिन गर्म होते हैं और रात ठंडी होती है. तो आम सहराओं की तरह सेमी डेजर्ट्स में भी ऐसा ही होता है, दिन बहुत गर्म और रात ठंडी होती है. कोर्स टफ प्लांट्स एंड श्रब्स ग्रो एज दीज हैव लॉन्ग लॉन्ग रूट्स विच गो डाउन टू वट एवर वाटर एग्जिस्ट बिलो द सर्फेस. मोटे तनों वाले और सख्त जान पौधे और झाड़ियाँ जिनकी जड़ें बहुत दूर तक नीचे पानी तक जहाँ पे पानी मौजूद हो वहाँ तक जाती हों, इस किस्म की ही झाड़ियाँ वहाँ पे उगती हैं सहरा में. देयर ओनली रियल यूज़ फॉर एग्रीकल्चर फॉर वांडरिंग एनिमल्स स्पेशली गोट्स एंड शीप. और यही वो एग्रीकल्चर वही जरी या ग्रीन चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर चरने वाले घूमने फिरने वाले एनिमल्स और एनिमल्स जिनमें जिनमें भेड़ बकरियां शामिल हैं उनके लिए वहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी वही झाड़ियाँ और वही सर सब चीज़ें हैं जो वो खा के अपना गुजारा करते हैं एनिमल्स. दीज आर वैल्यूबल फॉर पाकिस्तान बिकॉज दीज हार्डी एनिमल्स गिव हार्ड टफ वूल विच इज़ एक्सीलेंट फॉर मेकिंग कारपेट्स. पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान आर सेमी डेजर्ट्स. और ये जो जानवर हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं, सख्त जान होते हैं और इनसे जो वूल जो जो ऊन इन भेड़ों से हासिल होती है वो ऊन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, शानदार होती है, जो कि कारपेट्स बनाने के लिए यूज़ होती है, कालीन बनाने के लिए यूज़ होती है. पाकिस्तान के जो मगरबी इलाके हैं वो सेमी डेजर्ट हैं. ये पाकिस्तान का डेजर्ट थर्ड शो हो रहा है यहाँ पे, थर्ड डेजर्ट इन पाकिस्तान. ये कहीं कहीं पे दूर 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 झाड़ियाँ मौजूद हैं और ग्रीन पौधे भी मौजूद हैं, जबकि इसी को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें दूसरी पिक्चर को सहारा के साथ जो कि लीबिया में है, लीबिया के अलावा और बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, ये 60% बनता है ये सारे डेजर्ट्स का, तो इसमें कहीं पर भी जहाँ तक तहद नज़र कोई एक झाड़ी भी नहीं है. ये सेमी डेजर्ट है जहाँ पे रेत के साथ साथ थोड़ी बहुत झाड़ियाँ थोड़े बहुत पौधे मौजूद हैं. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या होती हैं? दीज आर यूजली फाउंड बिटवीन द डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ये ज़्यादातर सहराओं और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बीच में जो ज़मीनें हैं दरमियान में वो होती हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं? ये ऐसे जंगलात हैं जहाँ पे मौसम जो सा है ड्राई, बिल्कुल ड्राई नहीं होता, हमेशा नमी रहती है. तो ऐसे जंगलों में, जंगलात में और सहरा के बीच में जो प्लेस है, जो जगह है, वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. यानी हम डेजर्ट से मूव करें अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बीच में, तो जो डेजर्ट से चलते हुए जो ग्रासलैंड आएगी जिस पे सूखी घास हो या थोड़ी बहुत दूर दूर घास होगी वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होगी. दे आर वार्म थ्रू आउट द ईयर, ये सारा साल गर्म रहती हैं. बट हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश होती है, 500 to 1500 millimeters, 500 से 1500 millimeters तक, विच फॉल्स बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर, जो कि अप्रैल और सितंबर के दरमियान में होती हैं वो बारिशें. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, शुमाली हेमिस्फीयर पे. हेमिस्फीयर क्या है? स्फीयर है, सर्कल का हाफ है. तो ज़मीन को इमेजिनरी तौर पर हाफ में डिवाइड किया गया है, तो जो इलाका नॉर्थ की तरफ बनता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. दे हैव स्कैटर्ड ट्रीज एंड बुशेस, यहाँ पे ज़रा दूर दूर फासले पर कुछ दरख्त होते हैं और कुछ झाड़ियाँ होती हैं. एंड लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास होती है, विच डाइज डाउन इन द लॉन्ग ड्राई सीजन, जो कि लंबे और खुश्क मौसम में मुरझा जाती है, लेट जाती है. In Africa, such grasslands are home to many game animals. Africa में ये grassland बहुत से game animals के लिए जन्नत हैं, घर हैं. Buffaloes, zebras, giraffes, elephants, rhinos, lions and tigers. यानी भैंसों के लिए, zebras के लिए, जिराफों के लिए, elephants के लिए, जो भी जंगली जानवर हैं
उनके लिए, बैफलो भी जंगली है यहाँ पे, एंड हैव अ फ्लरिशिंग टूरिस्ट इंडस्ट्री, और एक बहुत ही खुशहाल चमकदार बढ़ती हुई टूरिस्ट इंडस्ट्री है, यानी यहाँ पे लोग सयाहत के लिए आते हैं, विज़िट करने के लिए आते हैं प्लेसेस को, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सफारी पार्क्स होते हैं, विद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल गोइंग ऑन सफारीज टू वॉच द एनिमल्स। तो हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे आते हैं जो कि एनिमल्स को देखने, सफारीज भी आते हैं जो कि लाइव एनिमल्स को देखने के लिए। सफारी पार्क ऐसे पार्क होते हैं जिन पे आप लाइव अपनी आंखों के सामने जानवरों को जंगल में भागते दौड़ते हुए देखते हैं। जो ज़्यादा एडवेंचरियस होते हैं वो जाते हैं सफारी पार्क्स में। पाकिस्तान वंस हैड अ लॉट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, बट नाउ ऑलमोस्ट नन इज लेफ्ट। एक दफ़ा का जिक्र है कि कभी पाकिस्तान में भी इस तरह की वेजिटेशन और इस तरह का माहौल, इस तरह का क्लाइमेट, इस तरह की आबोहवा हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया। द लैंड हैज़ बीन क्लियर्ड, सारी ज़मीन साफ हो गई, एंड विद एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम इरीगेशन ऑल काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन इट। और एक्स्ट्रा जो आबपाशी थी, एक्स्ट्रा जो पानी लगाया था फालतू, उसकी वजह से हर किस्म की जो फसलें हैं, हर किस्म की जो फसल है वो ये इस ग्रास लैंड पर उगना शुरू हो, यानी इस लैंड में पोटेंशियल होता है कि कोई ना कोई चीज़ इधर उग ही सकती है। सहरा डेजर्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं उग सकता, इस ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में ये पोटेंशियल मौजूद होता है कि क्रॉप्स यहाँ पर उग सकती हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट In the Muslim world, these are found in Central Africa along with Equator and in Southeast Asia. Tropical forest Muslim world में वस्ती एशिया में Equator के साथ साथ और जनूब मशरकी एशिया में पाए जाते हैं। Equator क्या है? Equator एक ऐसी imaginary line है जिसमें North और South Pole को equally divide किया गया है, यानी ज़मीन का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वली डिवाइड किया गया है ऐसे सर्कल में, यूं करके इस पिक्चर से आप देख सकते हैं। इसको कहते हैं इक्वेटर, और इस इक्वेटर ये डिवीजन की लाइन है, इसके साथ साथ अफ्रीका को यहाँ से घुमा के यहाँ से डिवाइड कर दें ज़मीन को गोलाई में, यूं सर्कल में लाइन है, इसके साथ साथ ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे ये पाए जाते हैं। यहाँ से इसको हाफ करें, गुलाई में इसको हाफ करें, तो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से जब नॉर्थ और साउथ पोल को इक्वली डिवाइड किया जाता है इक्वेटर में, इक्वेटर से, तो यहाँ से ये अफ्रीकन कंट्रीज़ बन रही हैं, इसके साथ साथ ये जंगलात पाए जाते हैं, और साथ में साउथ ईस्ट एशिया में भी, इस साइड पर भी ये साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पर बनता है, ये इस रीजन में। There is heavy rain 1800 to 2500 millimeters. यहाँ पे अच्छी मिकदार में बारिश हो जाती है 1800 से 2500 millimeter और मोर या इससे भी ज़्यादा। The temperature remain between 20 to 30 degree centigrade. और दर्जा हरारत हमेशा 20 से 30 degree centigrade तक रहता है all year, सारा साल, यानी mild temperature होता है, दरमियाना temperature होता है, ना ही ज़्यादा सर्दी और ना ही ज़्यादा गर्मी। Naturally, there is a thick forest of tall trees with a crown of leaves high up. ये कुदरती तौर पे ऐसे जंगलात हैं, ऐसे फॉरेस्ट हैं जो बड़े बड़े लंबे लंबे दरख्त होते हैं जिनमें, और जिनके सरों पे, जो सिरों पे ताज की तरह से पत्ते ही पत्ते होते हैं। Below it is semi darkness with giant creeper twining up the tree trunk to reach the sunlight above. The main stem of some creepers can be as much as 30 to 40 centimeter in diameter. क्योंकि वो क्राउन की तरह पत्ते जो हैं वो दरख्तों के सिरों पे यूं ऊपर से सारा कवर किया, और नीचे जो होता है जंगलात, जंगल में नीचे यहाँ पे सेमी डार्कनेस होती है, यानी तकरीबन अंधेरा होता है, और नीचे बड़े क्रीपर, एक
बेल टाइप होता है जो कि कह रहे हैं कि क्रीपर जो सी है, जो स्टेम होता है पौधों का, जो उसका तना है उसके इर्द गिर्द लिपटी भी होती है, और इतनी लिपटी भी होती है, लिपटते लिपटते ऊपर तक सूरज की रोशनी जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक जाती है। और क्रीपर का मेन स्टेम तकरीबन जो सा है 30 से 40 सेंटीमीटर होता है इन डायमीटर, क्रीपर का अपना डायमीटर। द मेन फॉर्म्स ऑफ लाइफ फाउंड हेयर आर बर्ड्स एंड मंकीज इन द कैनोपे। यहाँ पे ज़्यादातर जो जिंदगी पाई जाती है इस माहौल में, जो चीज़ें जानदार अशिया पाई जाती हैं वो बंदर हैं और बर्ड्स हैं, परिंदे हैं। कैनोपे कहते हैं कि द लीफ ऑफ द टॉप, मतलब वो जो लीव्स टॉप पे लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनके बीच में बर्ड्स और मंकीज रहते हैं। द स्नैक्स लिजर्ड्स एंड इंसेक्ट्स बिलो, और नीचे वाले पोर्शन में सांप, छिपकलियाँ और दूसरे हशरात रहते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में परिंदे और जानवर रहते हैं, और नीचे वाले पोर्शन में स्नैक लिजर्ड्स और इंसेक्ट्स मिलजुल के रहते हैं ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में। मच ऑफ द फॉरेस्ट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर टिम्बर, ऐसे ये जंगलात बहुत कीमती हैं टिम्बर के लिए। टिम्बर एक दरख्त है जिसकी लकड़ी यूज़ होती है फर्नीचर के लिए, और उसमें से ब्लैक ब्लैक पेपर जैसा एक बीज भी दाने टाइप मिलता है जो कि हम अक्सर घरों में भी यूज़ करते हैं, सच एज टीक एंड अदर हार्डवुड्स। जैसे कि टीक एक बहुत लंबा दरख्त होता है, उर्दू में इसको सागवान का दरख्त कहते हैं, सफ़ेदे की तरह का लंबा दरख्त होता है ये, और इसके अलावा इसकी लकड़ी यूज़ की जाती है फर्नीचर के लिए ज़्यादातर, और इसके अलावा बाकी हार्डवुड यानी सख्त जान लकड़ियों वाले दरख्त भी होते हैं वहाँ पे। वेयर दीज हैव बीन कट डाउन एंड द फॉरेस्ट क्लियर्ड, लेकिन इनको काट दिया गया है और जंगलात को साफ कर दिया गया है। शुगर केन, कोकोआ, रबर, मैंगोज, पाइनएप्पल्स एंड अदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर ग्रोन। यहाँ पे गन्ना, कोकोआ, कॉफ़ी बीन्स होते हैं, रबर, आम, अनानास और इस तरह के ट्रॉपिकल फ्रूट्स यहाँ पे उगते हैं इन जंगलात में। बिकॉज ऑफ द हीट एंड द मोस्ट टेम्परेचर, गर्मी, क्योंकि जहाँ पे नमी होती है और बिल्कुल सब चीज़ें बंद हो, ऊपर से सारा पत्तों की वजह से सारा जंगल बंद होता है, तो वहाँ पे टाइम हब्स हो जाता है। मोस्ट टेम्परेचर द रेन फॉरेस्ट आर जनरली अनहेल्दी, ये रेन फॉरेस्ट जो से हैं सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। विद मैनी डिजीज दैट अफेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल्स, और बहुत सारी डिजीज जो सी हैं, बहुत सारी बीमारियाँ इससे फैलती हैं इंसानों और जानवरों दोनों के लिए जो कि मुज़र होती हैं। जैसे जब बरसात का सीज़न आता है तो टेम्परेचर में नमी बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्ट होता है टेम्परेचर, तो उस क्लाइमेट में, उस इन्वायरमेंट में लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। उसी तरह ये इस किस्म का हब्स वाला जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, वो हमेशा इन फॉरेस्ट में मौजूद रहता है। और सच एज मलेरिया, जैसे कि मलेरिया, जहाँ पे भी सरसब्ज पौधे होंगे, जंगलात होंगे, वहाँ पे मलेरिया मच्छर होंगे और मलेरिया फैलेगा। आर कैरिड बाय इंसेक्ट्स, और वो इंसेक्ट्स मच्छर ही होते हैं जो मलेरिया को लेके घूमते रहते हैं। हाउ एवर द रेन फॉरेस्ट आर वेरी important for both the plants and for repulsing the air with oxygen and absorb carbon dioxide. लेकिन इन सब के बावजूद ये बहुत अहम हैं, क्योंकि ये पौधों के लिए ज़िंदगी हैं और फिज़ा को फ्रेश करने में, निया करने में, और ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करने के लिए बहुत अहम है। Although not in the Muslim world, the great Amazon forest in South America is believed to supply half the world's atmosphere with oxygen.
दुनिया का आधे से ज़्यादा, दुनिया में आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन जो फॉर अमेज़न फॉरेस्ट है वो सप्लाई करता है, वो मुहैया करता है अमेज़न फॉरेस्ट। लेकिन ये मुस्लिम दुनिया में नहीं है, लेकिन साउथ अमेरिका में है। लेकिन दुनिया में आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन अमेज़न फॉरेस्ट सप्लाई करता है, मुहैया करता है। इसको हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।